हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू मेजर कलशी क्लासेस। मेरे साथ आज हैं शिवम उपाध्याय। शिवम प्रतापगढ़ से हैं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, और इनका अभी अभी ये फेज़ टू फेस करके आ रहे हैं एएफओस का, जो अभी करंटली प्रोसेस चल रहा है। आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे बच्चे मेजर कलशी क्लासेस के सिलेक्ट हो रहे हैं। हम आए दिन वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, बच्चों के इंटरव्यू, उनका जो एक्सपीरियंस था आपसे शेयर कर रहे हैं। तो अगर हम शिवम की बात करें तो शिवम ने भी अपना फेज़ टू क्लियर कर लिया। 16 नवंबर को इनका फेज़ टू था बीटा सेंटर पटना में, और शिवम का मेडिकल का डेट बाकी बच्चों की तरह जनवरी में ही है। शिवम बहुत पहले से ही चाहते थे कि वो डिफेंस ज्वाइन करें। एएफओस इनकी फर्स्ट चॉइस थी, और वरना सेकंड चॉइस इनकी आर्मी थी। एक्चुअली इनके फैमिली में ही एक है ये चलन डिफेंस का। इनके फैमिली में कई लोग रह चुके हैं डिफेंस में। इनके नाना एएफओस में थे, इनके भैया हैं, बड़े भैया आर्मी में हैं। तो सबसे पहले तो शिवम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन्स। आपका फेज़ टू जो आपने क्लियर किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया शिवम ने फेज़ टू में। रेस में इनके भैया ने काफ़ी हेल्प की इनकी, काफ़ी तैयार किया इनको। पहले थोड़ा वेट ज़्यादा था इनका, कुछ महीने पहले भैया ने काफ़ी हेल्प की इनकी वेट मेंटेन करने में और रेस अच्छे से प्रिपेयर करने में। सिर्फ 6 मिनट और 5 सेकेंड में ही शिवम ने रेस कम्प्लीट की, और ये कुछ 14th या 15th नंबर में थे रेस पे फेज़ टू में। तो आइए हम शिवम से बात करेंगे और कुछ उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। शिवम, वंस अगेन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हम जानना चाहेंगे आपका जो फेज़ टू का एक्सपीरियंस था। आपने मुझे बताया कि भैया ने आपकी काफ़ी हेल्प की, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी रही, हम बात करते हैं पीएफटी से, जो आपका जब रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो गया था एक्स ग्रुप के लिए, और आप जब मतलब तैयारी कर रहे थे फिजिकल के फेज़ टू के लिए, तो आपकी जो पीएफटी को लेके जो स्ट्रेटजी थी, या कोई अगर आपकी सोच थी, कोई आपकी मतलब कोई यू नो तैयारी थी, स्ट्रेटजी थी, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए हमें प्लीज़। सर, फेज़ टू के लिए मैंने पहले रेस को ज्वाइन किया, पहले मैंने इस ग्राउंड को ज्वाइन किया, फिर मेरी रेस 7 मिनट आती थी, फिर मैंने धीरे धीरे, मेरे भैया ने मुझे पहले 12 राउंड मारने को कहा ग्राउंड का, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा स्टेमिना इंक्रीज हुआ और मैंने 6:30 में मैंने रेस को कंप्लीट करने लगा। शिवम मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि शिवम का वेट पहले 70 kg था, और अभी ये 63.5 के करीब है, और इसमें डाइटिंग का भी योगदान था, साथ ही जो जॉगिंग करते थे सुबह शाम दोनों टाइम भागते थे, और जो टारगेट है उससे डबल भागते थे। तो बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में इन्होंने वेट भी रिड्यूस किया, और रेस ने भी अच्छी पकड़ बनाई। जहाँ इनको 7-7.5 मिनट लगते थे, वहीं फाइनली इन्होंने सिर्फ 6 मिनट 5 सेकंड में रेस कंप्लीट की जब ये फेज़ टू में गए थे। देखिए, मैं रेस पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि न सिर्फ शिवम बल्कि जितने बच्चे आ रहे हैं मैक्सिमम यही बता रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा बच्चे रेस में ही आउट हो रहे हैं। हमने देखा पहले शुरू में कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि एसआरटी में काफ़ी बच्चे आउट हुए, लेकिन अब दोबारा से वो चीज़ नॉर्मल हो गई है। अब एसआरटी में बहुत बच्चे आउट नहीं हो रहे हैं। जिस दिन शिवम भी गए थे उस दिन सिर्फ कुछ 7 या 8 लड़के आउट हुए एसआरटी में, और जीडी में भी कुछ ऐसे ही करीबन 8-10 बच्चे ही आउट हुए फेज़ टू में। लेकिन जो फिजिकल वाली बात, जो रेस वाली बात है, वो कॉमन है, वो कभी चेंज नहीं हुई। पहले भी करीबन 40-50% बच्चे आउट होते थे रेस में, आज भी हो रहे हैं, और इसमें जिम्मेदार हम खुद ही रहते हैं नॉर्मली, क्योंकि अगर हमें पता है कि वहाँ 1600 मीटर भागना है 6.5 मिनट में, और हमारी अगर तैयारी पूरी नहीं है, तो इसके टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे ऊपर ही है और किसी के ऊपर नहीं है। तो शिवम, आपका रेस तो आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और फिर जब ये स्क्वाट्स, पुशअप्स और सिटअप्स हुए, उसमें तो ज़्यादा बच्चे मेरे ख्याल से आउट नहीं हुए होंगे। नहीं सर, और क्या 2 या 3 हुए। कैसा एक्सपीरियंस था ये बाकी जो एक्टिविटीज़ थी जो फिजिकल में, और इसमें जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे, जो एएमएन थे, उनका कैसा मतलब रोल था? वो लोग कोऑपरेट कर रहे थे, कैसा बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा बाकी जो एक्टिविटीज़ थी? काफ़ी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने डबल डबल चांस दिया सबको कि मतलब अगर बेटा आपसे नहीं हो रहा है तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। वो बहुत कोऑपरेटिव थे, लेकिन डबल चांस के अलावा उन्होंने एक भी चांस नहीं दिया। कई लड़के उसमें बाहर हो गए, उनके पैर कांप रहे थे और उन्होंने उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। सिर्फ एक लड़का ऐसा था उसमें कि वो कंप्लीट नहीं कर पाया उस।
मतलब एक ही लड़का था जिसके साथ पैर कांप रहे थे और कंप्लीट नहीं कर पाया, बाकी सबने बहुत आसानी से ये जो एक्टिविटीज थी पुशअप सिटअप्स और स्क्वाट्स की आराम से क्लियर कर ली। एसआरटी की अगर बात करें, आपने बताया कि बहुत कम बच्चे आउट हुए एसआरटी में, जो क्वेश्चंस थे मतलब क्वेश्चंस का लेवल वैसे तो हर बच्चे बताता है कि काफ़ी इजी था, लेकिन मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस याद हो, अगर एक दो क्वेश्चन याद हो अगर थोड़ा बताइए क्या क्वेश्चंस थे, उनमें ऑप्शंस क्या थे उन क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन सर ऐसा था कि मतलब एक स्त्री की ओर मतलब आदमी इशारा करते हुए पूछ रहा है कि ये मेरे मम्मी के भाई के एकमात्र भांजे की पत्नी है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। इसमें ऑप्शन था पत्नी, मतलब मेरे से उसका क्या रिलेशन है उस स्त्री का। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में डिटेल में नहीं जाएंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहा होगा ये। रीजनिंग के लगभग कितने क्वेश्चन थे? रीजनिंग के 45, रीजनिंग के 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन सिचुएशन रीजनिंग के क्वेश्चन थे। उसमें से कोई क्वेश्चन याद है आपको? यस सर, एक क्वेश्चन था कि मोहित को मॉल में एक पर्स मिला तो वो क्या करेगा उसका। ओके, उसमें ऑप्शन था कि वो उठा के रख लेगा, दूसरा था वो उठा के रख लेगा और कुछ मनी को, वो मनी को उठा के रख लेगा और पर्स को उसको दे देगा, मतलब मैनेजर को दे देगा, और तीसरा था वो पर्स को सीधे मैनेजर को दे देगा, और चौथा ऑप्शन था कि वो मतलब उसको ढूंढेगा जिसके पर्स है और उसको देगा जाके। ओके, तो आपने क्या चूज किया इसमें? मैं फोर्थ, मतलब वो उसको देगा जो जिसका पर्स था, उसका जिसका पर्स आप ढूंढेंगे उसको। हाँ, उसको देंगे। तो अगेन यहाँ पे कैसा है कि सिचुएशन रिएक्शन जो टेस्ट है इसमें कोई ऑप्शन गलत नहीं है। अभी किसी को लगेगा कि भाई बेटर ऑप्शन ये होगा कि हम मैनेजर को दे दें, क्योंकि भाई मैनेजर अनाउंस कर सकता है कि भाई किसका पर्स आके ले लो, और लेकिन अभी क्योंकि हम खुद ढूंढें तो बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क है। भाई हम पर्स में देख सकते हैं भाई, कुछ अगर फ़ोन नंबर वगैरह कुछ मिल जाए, कुछ आईडी प्रूफ मिल जाए, बट अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, आप डायरेक्टली बंदे को ढूंढिए और दीजिए। मैं होता शायद तो सिलेक्ट करता ऑप्शन कि मैं मैनेजर को दे दूंगा, बट वही है बात है कि सर कहे थे कि मतलब कि आपके मन में जो आ रहा है आप वो लगाइए, मतलब आपके मन में फर्स्ट चॉइस जो आ रही है आप मैनेजर को देंगे तो आपको लगेगा कि आप पैसे उनको देंगे तो वो भी रख सकते हैं, उनके मन में भी धोखा आ सकता है, एक डर रहेगा कि भाई वो मैनेजर क्या करेगा, क्या पता वो पर्स खुद ही रख ले, तो जिस बंदे का पर्स गुम हुआ है उसको तो मिला नहीं। तो चलिए, अपने अपने ये एसआरटी की यही तो खूबसूरती है कि इसमें कोई आंसर गलत नहीं है, आपको जो लगे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आप उसको यूज़ करते हुए ही आंसर डिसाइड करेंगे। और इन द एंड जैसे कि बताया शिव हमने कि बहुत बच्चे आउट नहीं हुए, सिर्फ 7 बच्चे आउट हुए, उनमें से शायद कुछ के रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं, अगर एसआरटी की बात करें एसआरटी में 7 बच्चे आउट हुए, गलती कर लिए थे वो लोग। अच्छा, मतलब एसआरटी का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें वो लोग गलती किए और आउट हो गए। काफ़ी समझाए थे कि अगर गलती किए तो चले जाएंगे, वो लोग पेन का इस्तेमाल कर दिए, पेंसिल का इस्तेमाल किए। बताइए, तो जैसा कि शिवम कह रहे हैं कि एसआरटी का क्वेश्चन पेपर जो था उसमें आंसर शीट में इन्होंने फॉर्म फिलिंग में गलती की, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। बट एनीवेज एसआरटी मतलब काफ़ी सिंपल रहा, पीछे इसलिए कुछ बच्चे आए थे जो बता रहे थे कि एसआरटी में काफ़ी बच्चे आउट हो गए, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस रहा काफ़ी नॉर्मल रहा। राइट, जीडी की अगर हम बात करें तो जीडी का टॉपिक क्या था पहली बात तो ये टॉपिक, प्लास्टिक बैग्स शुड बी बैंड और नॉट। ओके, प्लास्टिक बैग्स, तो प्लास्टिक बैग्स के ऊपर टॉपिक था। वैसे तो हर ग्रुप में अलग अलग टॉपिक रहते हैं कि हाँ, सब में अलग अलग था, डिमोनेटाइजेशन था और योगा मिला था सब लड़कों से। अच्छा, ने बताया बाहर निकलने का डिमोनेटाइजेशन था और वुमेन एम्पावरमेंट था। ओके, सर ने सब बताया था यहाँ एमकेसी में, जो टॉपिक्स आप ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके थे मैं लिख लिख के उसको याद किया था। ओके ओके, जो जीडीएस आरटी आपने प्रैक्टिस किए थे वही सारे, वही सारे सेम टू सेम कुछ डिफरेंट, सारे कॉमन टॉपिक्स देखा जाए तो कई बार पूछते हैं बच्चे कि भाई जीडी में टॉपिक्स क्या होते हैं, टॉपिक्स क्या होते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि वही नॉर्मल जो टॉपिक्स है, जनरल टॉपिक्स वही होते हैं, और वही हुआ। और सर ने काफी मदद की थी इसमें, मतलब टॉपिक्स मुझे बताया, पहले मेरी इंग्लिश उतनी मतलब केयर नहीं करता था मैं इंग्लिश को, बहुत मतलब बहुत हड़बड़ा जाता था, इंग्लिश सही से बोल नहीं पाता था। सर ने मुझे बताया कि तुम धीरे धीरे बोलो, आराम से बोलो, और कि और टॉपिक को मुझे लिख दिया उन्होंने, एक लिस्ट में लिखा कि इतने टॉपिक तुम तैयार करो, रट लो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं वो रट के गया और वहाँ पर। जीडी में लगभग कितने बच्चे आउट हुए होंगे? जीडी में लगभग सर 12 से 13 14 लड़के, 12 13 14 लड़के। ओके, तो उस दिन जैसा कि आप मुझे बता रहे थे कि करीबन 240 स्टूडेंट्स आए थे, 240 और सिलेक्ट कितने हुए फाइनली? फाइनली सिलेक्ट हुए 93 93 स्टूडेंट्स।
तो मतलब लगभग 40-45 हाँ वही परसेंट सिलेक्शन रहा यस और मैक्सिमम बच्चे आउट हुए रेस में। रेस में सर सबसे ज्यादा लड़के। शिवम मुझे बता रहे थे कि इनके ग्रुप में, इनका सेकंड ग्रुप था, दो ग्रुप बने थे और एक ग्रुप में करीबन कितने 100 लड़के मेरे लोग में 102 थे, उन लोग में 93 या उन लोग में शायद ज्यादा थे, थे, ज्यादा वन थे हंड्रेड उनमें ट्वेंटी थे 120 थे वन और ट्वेंटी आप में भी 100 से कुछ ऊपर। पहले ग्रुप में शिवम ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया अपना थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट ग्रुप में एक बच्चा गिर गया था और उसके गिरने के कारण पीछे के कई बच्चे रुक गए और वो लोग फिर 6.5 मिनट में रेस अपनी कंप्लीट भी नहीं कर पाए। तो हालांकि वो एक वन ऑफ सिचुएशन थी। शिवम बता रहे थे मुझे कि वहाँ ग्राउंड कुछ का क्लियरेंस थोड़ा वो कम था, मतलब सफाई नहीं थी और थोड़ा कंकड़ था काफी वो ग्राउंड कंकड़ थे, पे। थोड़ी सैंड थी वहाँ रोड पे, हालांकि स्ट्रेट रोड थी। और वहाँ पे ये भी एक चीज़ शिवम ने ऑब्जर्व की कि वहाँ तो हालांकि कहा गया था कि आप शूज़ पहन के भागिए, लेकिन कुछ बच्चों ने चूज़ किया कि वो नंगे पैर भागेंगे और वो भी समस्या ही क्रिएट करती है अगर कंकड़ वगैरह पड़े हैं रास्ते पे, रोड पे। हाँ बाद में आने के बाद कई लड़के लंगड़ा रहे थे उसमें, केस में उनके पैर से खून बह रहा था नीचे से माय गुडनेस। वो। तो स्ट्रेट रोड था, कोई राउंड ट्रैक नहीं था वहाँ पे, स्ट्रेट रोड था। और तो शिवम ने वही, मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग शूज़ पहन के ही भागिए, शूज़ पहन के ही भागने की प्रैक्टिस करिए। और वहाँ पे टाइम तो ऐसे भरपूर मिलता है, जैसे कि शिवम ने बताया मुझे कि जो लाइन थी जहाँ से रेस शुरू होती है, कुछ बच्चे उस लाइन के पीछे खड़े रहते हैं, काफ़ी बच्चे रहते हैं एक ग्रुप में। तो जब आखिरी बच्चा जब उस लाइन को क्रॉस कर जाता है उसके बाद ही वो लोग टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो मतलब कि जो बच्चे स्टार्टिंग में खड़े हैं वो तो उनको तो 5-10 मिनट, 5 या 10 सेकेंड एक्स्ट्रा ही मिल जाते हैं, क्योंकि टाइमर वो स्टार्ट करेंगे जब आखिरी बच्चा वो लाइन क्रॉस कर जाएगा, स्टार्ट वाली जो लाइन है। तो टाइम भरपूर मिलता है, 6.5 मिनट सबको मिलता है, लेकिन वही है कि आप शूज़ पहन के प्रैक्टिस करिए और बाकी क्योंकि सैंड वैंड पड़ा हो थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि एक बच्चा गिरा और 3-4 बच्चों को नुकसान हो गया उस चीज़ से। तो एनीवे शुभम, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप फेज़ 2 की भी तैयारी अच्छे से करके जाइए, खाते पीते रहिए, फिट रहिए। आपने तो हालांकि वेट लूज़ किया है तो आप वेट मत गेन करिएगा, आप खुशी के मारे आप डाइट कंट्रोल में रखिए और भागते रहिए, जॉगिंग करते रहिए, फिट रहिए, मेडिकल में अच्छा परफॉर्म करिए ग्राउंड और सर रोज जाते हैं। ग्राउंड जाते हो रोज़। वेरी गुड, और ऑल द बेस्ट यू फॉर फेज़ 3, सिलेक्शन पाओ और हम आपका फिर से इंटरव्यू लेंगे जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नाम होगा एनरोलमेंट लिस्ट में। तो इतना ही था आज, ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी जिनका अभी बचा हुआ है फेज़ 2। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। डिफेंस एग्जाम से संबंधित जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब। थैंक यू।